हाँ तो भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर फ्रेगमेंट की स्पिन के थ्रू आप एक सूट का एटलीस्ट एक इमोट तो कैसे निकाल सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये ट्रिक्स मैंने दो आईडीज पर यूज करी, एक मेरी मेन आईडी पर एंड सेकंड मेरे दोस्त की आईडी पर। दोनों आईडीज के अंदर मैंने सेम तरीका यूज किया, लेकिन मेरे दोस्त की आईडी पर मुझे दोनों इमोट्स मिल गए बिल्कुल फ्री के अंदर, लेकिन मेरी मेन आईडी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब सिल्वर से स्पिन खत्म होने के बाद अगर आपके पास 1-2 हजार यूसी है, अगर आप उनको इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको एक इमोट देखने को मिल सकता है। तो होप आपके सिल्वर के स्पिन में ही कुछ निकल जाए। वैसे मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी स्पिन करके देख लिया, एक दो को छोड़ के किसी के कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार सिल्वर से कुछ रिडीम होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो ताकि आपकी कुछ रिडीम हो जाए। अब मैं आपको 100% गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो तो हो सकता है आपके कुछ ना कुछ रिडीम हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस बार एक्सूट के साथ कोई भी हमें कैरेक्टर वाउचर्स वाले इवेंट देखने को नहीं मिले। पहला ऑब्वियस रीजन, एना के इवेंट के थ्रू हमको कई सारे कैरेक्टर वाउचर्स देखने को मिल गए। सेकंड, बीजेएमआई बिजनेस करने बैठा है, दान धर्म करने नहीं। तो सिल्वर से पूरे स्पिन करने के लिए आपके पास मिनिमम 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर एक स्पिन 300 सिल्वर फ्रेगमेंट का होने वाला है। तो स्पिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप स्पिन करोगे तो स्पिन करने से पहले एक आउटफिट सिलेक्ट होगा। अगर वो आउटफिट एक्सूट होता है तभी आपको इमोट्स मिल सकते हैं। अगर कोई अलग आउटफिट सिलेक्ट हो जाती है तो आपको स्पिन के थ्रू होवरबोर्ड और फ्रेम तो मिल ही सकता है। अब स्पिन करने से पहले जो आउटफिट सिलेक्ट होगा वो प्रॉपर लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पांचों स्पिन एक्सूट पर हो या फिर एक भी नहीं हो। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि जब आपके पांच स्पिन कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप छठा स्पिन करने जाओगे 60 यूसी से, तो आप वो किस आउटफिट पे करना चाहते हो। तो यहां पर आपको सबसे लास्ट वाला आउटफिट को सिलेक्ट करके रखना है। अब जो मेरे फ्रेंड के इमोट्स निकले थे वो मैंने जिस टाइम पे इवेंट आया था उसी टाइम पे मैंने पांचों स्पिन कंप्लीट कर लिए थे, तभी मेरे वो इमोट्स निकल गए। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि जिस टाइम इवेंट आता है आपको उसी टाइम पे सारे स्पिन कर लेने, इससे आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं आउटफिट या कुछ निकलने के। लेकिन अब वो टाइम तो गया, तो आपको ऐसे टाइम पे स्पिन करना है जब ज्यादातर प्लेयर्स ऑनलाइन नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल टाइम में सभी बंदे स्पिन करते हैं, वहां पर 1000 में से किसी एक दो प्लेयर को सिल्वर से कुछ मिलता है। तो आपको ऐसे टाइम पे स्पिन करना है जब बहुत कम प्लेयर्स ऑनलाइन होते हैं, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी सिल्वर से कुछ निकलने के लिए। तो आज मैं अपनी सेकंड आईडी पर सिल्वर से स्पिन करूंगा और आपको बता दूंगा कि भाई आपको कौन से टाइम पे स्पिन करना है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी एक्सूट वाली स्पिन होती है वो 90% आपके लक पे एंड 10% टाइमिंग पर डिपेंड करती है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपके सिल्वर फ्रेगमेंट से कुछ निकल जाए। और जो प्लेयर एक्सूट की कॉन्फिग फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं तो भाई आपकी आईडी तो छोड़ो, आपका डिवाइस ही बैन हो जाएगा। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, आपको स्पिन एनिमेशन ऑन रखना है और पांचों स्पिन आपको एक ही बारी में कर लेना है। मैं अगर आपको एक सजेशन दूं तो आप चाहो तो लास्ट दिन जिस दिन इवेंट जा रहा हो, मतलब कि 31 जनवरी को भी स्पिन कर सकते हो। एंड सिल्वर से 5 बार स्पिन करने के बाद अगर आपके कोई भी इमोट वगैरह नहीं निकलता तो मिनिमम आपको 1-2 हजार यूसी स्पेंड करनी पड़ेगी कुछ इमोट वगैरह निकालने के लिए। इस बार बहुत कम प्लेयर्स के सिल्वर वाली स्पिन से कुछ रिडीम हो रहा है। अगर आपके पास सिल्वर फ्रेगमेंट्स ही नहीं है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपके सिल्वर वाली स्पिन से कुछ रिडीम हुआ। मेरी मेन आईडी में तो कुछ भी नहीं निकला सिल्वर फ्रेगमेंट से, सेकंड आईडी पे ट्राई करूंगा, क्या पता कुछ निकल जाए। और हाँ, जितनी ज्यादा आस आप लगाते जाओगे किसी चीज को लेने के लिए वो चीज उतनी ही दूर जाती जाएगी। तो ज्यादा आस मत लगाना, जो चीज आपको 5-6 हजार यूसी स्पेंड करने के बाद निकलने वाली है वो चीज आपको सिल्वर से क्यों ही मिलेगी। लेकिन क्या पता जिस दिन आप स्पिन कर रहे हो उस दिन आपकी किस्मत काफी ज्यादा बढ़िया हो तो आपके सिल्वर से ही कुछ निकल जाए। तो सिल्वर से 500 स्पिन कर लेना और सिल्वर फ्रेगमेंट की चिंता मत करना। मैं कल एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट का इंतजाम कहां से करें। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि भाई सिल्वर वाली स्पिन में आपके क्या निकला। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।